हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी फ्राइज़ की रेसिपी जी हाँ ये हेल्दी होंगी क्योंकि हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे इसके लिए मैंने सबसे पहले तो फोर मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और इनको फिंगर फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया इसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया और हम इसको एयर फ्राई में फ्राई करेंगे हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे फ्राइंग पैन में हमने इसके ऊपर सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल डाल के सारी साइज़ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसको हमने अपने एयर फ्राई के अंदर डाल दिया एयर फ्रायर को चलाना इतना भी मुश्किल नहीं है ये बहुत ही आसान है हमने सिर्फ इसके अंदर टेम्परेचर और टाइम सेट करना होता है जितने टाइम के लिए हमने इसको चलाना है और हमने फ्राइज के लिए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फिक्स किया हुआ है और 15 मिनट्स के लिए हमने इसको चलाना है और 7-7 मिनट्स के लिए दोनों साइड से हमने अपनी फ्राइज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और ये देखें हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर सेट कर दिया और ये हमने इसका जो टाइमिंग है हमने उसको फिफ्टीन मिनट्स के लिए चला दिया इसको ये बहुत ही हेल्दी बनती है और आपने बिल्कुल परेशानी होना अगर आपके पास ये एयर फ्राइड नहीं भी है तो आप इसके लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल फैला के अपने फ्राइज को उसके ऊपर फैला दें और दोनों साइड से इसको सेवन सेवन मिनट्स के लिए ढक कर फ्राई कर लें और ये देखिए फिफ्टीन से अभी टेन मिनट्स पाँच मिनट थे कि मैंने जल्दी जल्दी अपनी एक्साइटमेंट में इसको निकाल भी दिया और ये अभी थोड़ी सी आ, कच्ची थी अभी इसको थोड़ा सा और टू टू थ्री मिनट्स हमने इसको थोड़ा सा और कुक करना था तो ये और अच्छे तरीके से कुक हो जानी थी और फिर इसके बाद मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स कर ही दिया और इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने एयर फ्राई के अंदर लगा दिया और ये बहुत ही एक हेल्दी वे है अपनी फ्राइज़ बनाने की इसमें हमें इतने ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी वजह से ये ऑयल जो फ्राइज़ होती हैं वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं ज़्यादा ऑयल होने की वजह से और वो बहुत ही अनहेल्दी बन जाती हैं लेकिन ये बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से भी बन जाता है और जिनको नहीं भी बनाने आते वो भी बहुत अच्छे बना सकते हैं और ये देखें सेवन सेवन मिनट्स के लिए मैंने दोनों साइड से लगाए तो ये कितनी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये देखें ये बिल्कुल भी कहीं से जली भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसको ओवर हीट कर देंगे तो फिर ये जल सकती हैं लेकिन आपने जितना टाइम मैंने फिफ्टीन मिनट्स के लिए लगाया आप भी फिफ्टीन मिनट्स लगाएं तो आपके भी फ्राइज जलेंगी नहीं कहीं से भी बर्न नहीं आऊंगी और ये मैंने इनको निकाल लिया है अपने टिफिन बॉक्स में क्योंकि मैं इसको अपने अकेडमी लेके जा रही थी मैं जाके अपने दोस्तों के साथ खाऊँगी <laughs> हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं हम ऐसी और इजी रेसिपीज़ आपके लिए बनाते रहेंगे और ऊपर से मैंने इसके चाट मसाला डाल दिया क्योंकि चाट मसाले के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता फ्राइज़ का भी अब हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं हमने और भी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं इतनी सिंपल सिंपल सी कोई कॉम्प्लेक्स रेसिपी नहीं है सारी बहुत सिंपल है और ईजी तरीके से बनने वाली है रोज़ की जो हमने खाना बनाता है उसकी सारी रेसिपीज़ हैं म कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी और आसान सी रेसिपी लेकर आएँ और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें